हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं झांसी, और झांसी में ना आज मेहंदी और हल्दी का प्रोग्राम है। बट उससे भी पहले हमें और भी काम है, तो बस इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मम्मी पापा जी चले जाएंगे चाचा जी के यहाँ, जहाँ पे शादी है, और हम लोग अपना थोड़ा सा काम फ्री करेंगे। और यहाँ देखिए वर्णित कैसे दादू के पास बैठे हुए हैं, और यही हम लोगों का रास्ता है झांसी जाने का। हम लोग झांसी पहुंच गए थे, तो सबसे पहले हम लोग अपने घर जाएंगे, जो हमारा अभी कंस्ट्रक्शन उसमें कंप्लीट हो गया है। तो हम देखने जा रहे थे कैसा क्या काम हुआ है। वाले गेट से अंदर ले लो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर के पास में, और ये हमारी प्यारी सी कॉलोनी। और आप देख सकते हैं हमारे आसपास लोग रहने भी लग गए हैं, और इवन आज पड़ोस में ना इनोग्रेशन भी है, और हम तो अपना घर ही देखने आए हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, बट अभी हम लोग नहीं रहने आएंगे, थोड़ा सा टाइम है अभी। और मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ घर, थोड़ा थोड़ा सा ही अभी व्यू दे रही हूँ इसका, क्योंकि फिर बाद में मैं जब पूरा तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। इसके बाद मैं आ गई थी हेयर कट कराने। सो गाइज़, मेरे हेयर्स नीचे से बहुत ही डैमेज हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हेयर कट ले लूँ। और मेरी मम्मी तो मना करती हैं मेरे हेयर कटवाने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी इससे पहले बहुत ज़्यादा हेयर कटा लिए थे, तो उनको है ना थोड़े से लंबे ही अच्छे लगते हैं। बट मैं ना बोर हो चुकी हूँ हेयर, ये वाली हेयर स्टाइल भी, स्टाइलिंग भी नहीं कर पाती हूँ कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन चूड़ा ही रहता है बनाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना हेयर कट ले लूँ, और है ना भैया ने मेरा काफ़ी अच्छा हेयर कट किया है। मैंने कराया है जावेद हबीब से, तो आप भी करा सकते हैं। सो गाइस, आगे आप देखेंगे मेरा फाइनल लुक कैसा आया है। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा जरूर बताइए। गाइस, मेरा हेयर कट हो चुका है। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, सो गाइस, मैं जावेद हबीब पे आई हूँ झांसी में, और मुझे बहुत अच्छा लगा हेयर कट। और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं हेयर कट के लिए, और यहाँ मेरा मैं पेमेंट कर रही हूँ। और गाइस, मैंने कुछ भी नहीं कराया, हेयर स्मूदनिंग, कैरेटिन और जाने क्या क्या होता है, बट मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ। अपने हेयर्स मेरे नेचुरली हैं, अभी तक तो मैंने नहीं कराया, अगर मैं कराऊँगी सो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं बाहर आ गई थी, मैं करी थी पतिदेव जी का, और वेट मुझे ना काफ़ी दिनों बाद ना इंदौर वाली फीलिंग आ रही थी, जब मैं कॉलेज टाइम की बात कर रही हूँ। और क्योंकि है ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे है ना अकेले मैं कभी भी कहीं गई हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो नहीं हुआ। और यहाँ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, इनका वेट कर रही थी, क्योंकि ये पतिदेव जी चाचा जी के पास छोड़ के आए मम्मी पापा को, उनके घर, सॉरी। और अभी मैं पैदल पैदल अकेले ही चले जा रही हूँ। देन इसके बाद इन्होंने मुझे ले लिया है कार में, क्योंकि हम लोगों की फ़ोन पे हो गई थी बात। अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, क्योंकि वहाँ से हमें रेडी होना है, देन जाना है मेहंदी फंक्शन में। मैं आ गई थी दीदी के यहाँ, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा अंधेरा है, और मैं केक के लिए लाई थी चॉकलेट। बस अभी आप दीदी के यहाँ पे सबसे मिलेंगे, क्योंकि सब लोग को ही कहीं ना कहीं जाना था। तो ये हैं दोनों दीदियाँ, और आपको मम्मी भी दिखेंगी, तो ये हैं दीदी की मम्मी। इसके बाद मैं रेडी हो गई थी, सो मेरा लुक था किस कुछ इस तरीके से। मैंने पहना है सूट, और ये पीछे देखिए पतिदेव जी कैसे लेटे हुए हैं। और हमें जाना है पार्टी में, हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बट इन्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही है। यहाँ से हम लोग निकल गए थे दीदी, मैं और जिया जी, पतिदेव जी, क्रेत, वर्णित, ये सब। हम लोग चाचा जी के यहाँ आने ही वाले थे, और हम आ गए हैं चाचा जी के घर। ये चाचा जी का घर है, बहुत अच्छा घर है। और यहाँ मेरा हल्दी दोनों का प्रोग्राम हो रहा था, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ पर भैया को लग रही थी मेहंदी, और सब लोग देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ खाना खाया, तो मम्मी सर्व कर रही है, मैं वीडियो बना रही थी कि क्या है, बहुत कुछ था। तो हम लोग खाना खाने के बाद ना ये है सैलेड, तो
छोले भटूरे थे ये सब। यहाँ पर थोड़ी सी और डांस वगैरह हो चुका था क्योंकि हम थोड़े से लेट हुए हो गए थे। यहाँ भैया को मेहंदी लग रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। सब लोग यहाँ खाना खा रहे थे और ये चाचा जी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर का वीडियो है। ये बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ देखिए दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है। वर्णे तो कृत यहाँ मस्ती कर रहे हैं। वर्णे तो वही कर रहे हैं जो कृत कर रहे हैं। और यहाँ मेरी मेहंदी लग रही है तो मैंने मेहंदी भी लग पाई हुई थी थोड़ी सी। यहाँ पे दीदी लोग सब लोग बात कर रहे हैं। डांस वगैरह मैं बता चुकी हूँ पहले। यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे वीडियो भी बन रहा है मेरा। यहाँ पे दीदी जी आजी वगैरह बात कर रहे हैं और मम्मी और ताई जी यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे हम लोग। लास्ट में हमने कॉफ़ी पी देन इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जो शादी का है और बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं शादी के गाइस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हूँ। एक्चुअली मैं बहुत मेहनत करती हूँ गाइस एज़ यू नो। एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यार कमेंट्स भी कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।